चैनल आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक वीडियो जिसमें कंपेयर करने वाले हम दो लेआउट को। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो कॉम्पैक्ट 2 BHK के लेआउट को। पहला जो लेआउट है वो है रुनवाल आइरिन का 531 का कारपेट एरिया। जो दूसरा लेआउट है वो है पिरामल वैकुंड का जिसका कारपेट है 564। दोनों का पोजिशन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे है, December 2023। और ये जो रिक्वेस्ट हमें भेजा है तेजल मैम ने भेजा है, तो उनके लिए ये वीडियो है। और जो भी कॉम्पैक्ट 2 BHK देख रहे हैं और जिनको जानना है डिफरेंस ये दोनों डेवलपर के लेआउट्स के बीच में, आप ये वीडियो चेक करके अपना डिसीजन बना सकते हो। और भी कोई अगर आपको लेआउट्स कंपेयर करना है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो चलते हैं लेआउट्स की तरफ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये है हमारा पहला लेआउट रुनवाल आइरिन का जिसका कारपेट है 531 का। अगर आप इसका लिविंग स्पेस देखोगे तो इसका जो साइज़ है वो 12.6 × 10.5 है, जो छोटा है लिविंग स्पेस एज़ कम्पेयर टू पिरामल वैकुंड जिसके लेआउट में हम अभी आगे जाएंगे। अगर आप देखोगे इसका डोर, तो डोर खुलते साथ ही आपका एक्सेस हो जाता है हॉल का, तो इसका मतलब इसमें कोई फॉयर स्पेस नहीं है, कोई भी आपके अगर दरवाजे पे खड़ा है तो पूरा हॉल देख सकता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको हॉल के साथ ही लगते आपको एक फ्लावर बेड है जो है स्टैंडिंग बालकनी, तो ये एक एडवांटेज है। इसका किचन भी काफ़ी अच्छा है, 7.3 × 8.2 का साइज़ है और इसमें आपको एल शेप्ड प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है किचन में, जिसमें आप जिसकी वजह से आपका मूवेबल स्पेस जो है किचन के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है। इसमें आपको किचन और में वॉशिंग मशीन और फ्रिज दोनों का स्पेस दिया गया है। जो एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको कोई ड्राई स्पेस नहीं है, तो आपको कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आपका फ्लावर बेड का यूज़ करना पड़ेगा। वॉशरूम अगर देखोगे तो दोनों सेम है, 4.5 × 7 दोनों वॉशरूम सेम साइज़ के है, ये भी काफ़ी डिसेंट है। अब हम चलते हैं इसके कॉमन बेडरूम की तरफ। तो कॉमन बेडरूम अगर आप देखोगे तो 10 × 10 का है, 100 square feet का आपका कॉमन बेडरूम है। और आपका जो कबर्ड स्पेस जो दिया गया है वो कैविटी है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरनल स्पेस है बेडरूम का, इंटरनल कारपेट है, वो यूज़ नहीं होगा आपका कबर्ड रखने के लिए, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है इस पर्टिकुलर लेआउट का। और अगर आप मास्टर बेडरूम देखोगे तो 10 × 10.5, ये भी 100 square feet से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें भी आपको जो कबर्ड स्पेस है वो सेपरेट दिया गया है, तो इसमें भी आपका जो इंटरनल कारपेट है वो यूज़ नहीं होगा आपके कबर्ड रखने के लिए। तो ओवरऑल ये लेआउट अच्छा है, बट इसमें आपको जो हॉल का साइज़ है, लिविंग रूम का साइज़ छोटा है और इसमें कोई ड्राई स्पेस नहीं है, तो ये दो डिसएडवांटेज लगता है मुझे इस पर्टिकुलर लेआउट में। अब चलते हैं हम पिरामल वैकुंड के लेआउट की तरफ। तो अब जो आप देख रहे हैं ये है पिरामल वैकुंड के 2 BHK कॉम्पैक्ट का लेआउट। अगर आप कंपेयर करोगे रुनवाल आइरिन से तो वहाँ पे आप एंट्री के साथ ही आपका हॉल शुरू हो जाता था, बट यहाँ पे आपको एक फॉयर स्पेस मिलता है जिसके वजह से आपको मिलती है प्राइवेसी, कोई भी आपके फ्लैट में डायरेक्टली नहीं झांक सकता। फॉयर के लेफ्ट साइड में ही आपको मिलता है किचन। तो अगर किचन का आप साइज़ देखोगे तो 7.10 × 8.2 है। इसमें आपको पैरेलल साइड प्लेटफॉर्म आएंगे और वहाँ पे आपको एल शेप प्लेटफॉर्म आ रहा था। किचन में आपको फ्रिज के लिए जगह दी गई है। अब इसमें एक एडवांटेज ये है इस लेआउट में कि यहाँ पे आपको एक ड्राई बालकनी मिल रही है, तो आपका वॉशिंग मशीन आ जाता है ड्राई स्पेस में और कपड़े वगैरह भी आप यहाँ पे सुखा सकते हो। अब चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पे लिविंग एरिया 14.7 × 9.6 का है, जो कंपैरेटिवली एक अच्छा डिसेंट साइज़ का लिविंग एरिया है। अगर आप इसी को रुनवाल आइरिन से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको लिविंग स्पेस बड़ा मिल रहा है और एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको लिविंग एरिया मिल रहा है। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो पहला बेडरूम जो कॉमन बेडरूम है रुनवाल आइरिन में आपको 10.10 का था, यहाँ पे आपको 8.10 × 9 का है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे बेडरूम छोटा है और हॉल आपको कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा मिल रहा है इस लेआउट में। और एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें भी आपको नीश एरिया दिया गया है कबर्ड का, तो आपका जो इंटरनल कारपेट है बेडरूम का वो वेस्ट नहीं होगा कबर्ड रखने के लिए। यहाँ पे आपको जो वॉशरूम का साइज़ है वो कॉमन वॉशरूम का 4 × 6.7 का है, तो कंपैरेटिवली वॉशरूम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है। और अगर आप मास्टर बेडरूम की बात करें तो 10.4 × 9.4 प्लस आपको सेपरेट कबर्ड नीश मिल रहा है, वहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम भी इससे बड़ा है।
तो अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे तो रुनवाल आइरीन में आपको बालकनी नहीं है, बालकनी मिल रही है, और आपको जो पिरामल वैकुंठ है इसमें आपको बालकनी नहीं मिल रही है, ड्राई बालकनी मिल रही है। और आपके बेडरूम साइजेस पिरामल वैकुंठ में दोनों छोटे हैं, रुनवाल आइरीन में बड़े हैं। कंपैरेटिवली हॉल आपका पिरामल वैकुंठ का बड़ा है, रुनवाल आइरीन का छोटा है। बट अगर आप क्वालिटी वाइज कंपेयर करोगे तो पिरामल वैकुंठ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। माई वन कंस्ट्रक्शन है, उनका जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो टाटा ग्रुप है, तो इससे आपको आप समझ सकते हो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कितना डिफरेंस होगा। बट अगर आप बजट वाइज कंपेयर करोगे तो बजट रुनवाल आइरीन का कम है, नेगोशिएशन आपका ज़्यादा होगा और आपको एक बेटर प्राइस में रुनवाल आइरीन मिल जाएगा। बट अगर आप क्वालिटी देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जाना चाहिए पिरामल वैकुंठ के साथ। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, मैम ने भी जो रिक्वेस्ट किया था उनको भी कुछ क्लैरिटी मिली होगी दोनों लेआउट के बीच में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।